हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एज ऑफ एम्पायर्स 2 को ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, मल्टीप्लेयर के अंदर आप खेल सकते हैं, आप पूरे जो ग्लोबल के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ आप किस तरीके से खेल सकते हैं, वो भी फ्री के अंदर। आपको कोई चीज़ बाय वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई गेम वगैरह खरीदने की ज़रूरत है। आप जो है एज ऑफ एम्पायर्स 2 के करेक्ट वर्जन को आप ऑनलाइन खेल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे खेल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो है ये जो वेबसाइट है द क्या नाम है ओल्ड गेम्स डाउनलोड की, आपने इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा फ्रेंड्स। आपने वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ से गेम डाउनलोड करना है, oldgamesdownload.com। यहाँ से जब आप गेम डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जाके आपको मैं दिखा देता हूँ कि गेम किस तरीके का होगा। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके का गेम होगा ये जो पायरेट्स 2। सही है फ्रेंड, तभी आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें फ्रेंड। उसके बाद जाके आपने क्या करना है, उसके बाद जाके आपने यहाँ पर जो वेबसाइट है wobbly.com, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, जैसे कि मैंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है अब्दुल रहीम आईटी के नाम से। और यहाँ पर जो है 1437 प्लेयर्स ऑनलाइन है अभी, और यहाँ पर जाके आपने इसका जो क्लाइंट है वुबली क्लाइंट, वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पर मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है वुबली क्लाइंट। तो ये आपने यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको खोलना है फ्रेंड। जब आप इस वुबली को खोलेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद जाके अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपका नेम और पासवर्ड मांगेगा, अकाउंट नेम और पासवर्ड। यहाँ पर मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ था वेबसाइट पे, तो इसकी वजह से मैं वही यहाँ पर अपना अकाउंट डाल दूंगा, उससे ये जो है हमारा जो स्टेटस है वो ऑनलाइन आ जाएगा। यहाँ पर ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल में जाना है और ग्रेम ब्राउज़र में जाना है। जब आप यहाँ पर ग्रेम ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर वो जो है आपसे गेम का पूछेगा कि जो है कौन सा गेम को आपने मल्टीप्लेयर चलाना है। मेरा तो यहाँ पर डायरेक्ट खुला है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से गेम को सिलेक्ट किया हुआ था। जब वो आपका से गेम का पूछे, तो आपका जहाँ पर गेम इंस्टॉल हुआ हुआ है एज ऑफ एम्पायर्स 2, तो वो वहाँ पर जाके आपने जो है गेम को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप गेम को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी उसके बाद आपकी यूआरई स्क्रीन खुल जाएगी। यूआरई स्क्रीन खुलने के बाद आपने क्या करना है, न्यू प्लेयर लॉबी पे जाके दो मरतबा क्लिक करना है। जब आप उसके दो मरतबा क्लिक करेंगे, उसके बाद जाके ये थोड़ा सा एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट कनेक्शन मांग रहा है, उसके बाद ये इस तरीके का खुल जाएगा। जब आप इस तरह के खुल जाएगा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत सारी लॉबीज बनी हुई हैं, जैसे कि ये वाली लॉबी बनी हुई है, यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। जब यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ये देखें हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मल्टीप्लेयर, और ये है होस्ट हमारा, ये लीडर है। सही है, तो ये हमारे गेम को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना खुद का होस्ट बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्विक होस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्विक होस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप खुद लीडर होंगे, और आप अपने जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको आप यहाँ पर उनको बोल दीजिएगा कि जो है अब्दुल रहीम बाईटी का जो होस्ट वगैरह में सर्वर है उसको ज्वाइन कर लें, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस सर्वर को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे वो, फिर आप जो है यहाँ से गेम को लॉन्च कर दीजिएगा। यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लॉन्च करके दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है, हैज बीन स्टार्टेड द गेम। ये देखें स्टार्ट हो गया है, ये देखें सेटिंग अप मल्टीप्लेयर गेम। और यहाँ पर अभी हमारे पास बंदे हैं नहीं, तो हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर को ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गेम का जो मैप है वो रैंडम मैप रख लें या कोई भी रख लें, मैप का स्टाइल देख लें, स्टैंडर्ड वर्ल्ड या फिर रियल वर्ल्ड कुछ भी है, और लोकेशन देख लें, साइज देख लें, डिफ़िकल्टी देख लें यहाँ पर। उसके बाद आपके रिसोर्स स्टैंडर्ड हो, लो हो, मीडियम हो, हाई हो, या फिर गेम स्पीड देख लें, फास्ट हो, रिवील मैप यहाँ पर मैं ऑल विजिबल कर देता हूँ, स्टार्टिंग एज स्टैंडर्ड हो, विक्ट्री आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी होगी। सही है, तो इस तरीके से आप ये करने के बाद आप यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर मैं बहुत सारे बंदों को, चार बंदों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैप में चार बंदे आ जाएँ हमें मिला के। तो हम यहाँ से रेडी करेंगे, आई एम रेडी, उसके बाद स्टार्ट गेम कर देंगे। ठीक है, द गेम विल बिगिन इन 10 सेकेंड लिखा है, मेक श्योर द सेटिंग एट द राइट आर करेक्ट, द गेम विल बिगिन। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। ये देखें कोस्टल के अंदर हमारा ये गेम स्टार्ट हो गया है, और बाकी के जो बंदे हैं, ये लाल वाले बंदे ये रहे, और ग्रीन वाले बंदे ये रहे, और येलो वाले बंदे ये रहे, और हम लोग ये रहे ब्लू वाले। सही है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप जो है अपना जो है गेम आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ से जो है आप अपने गेम को एंजॉय करें। और हमारे पास यहाँ पर गोल्ड कहाँ है, यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं गोल्ड हमारा कहाँ है, शायद नहीं यहाँ नहीं है,
आसपास ही होना चाहिए गोल्ड। हमारा गोल्ड कहाँ है, ये रहा हमारे पास गोल्ड, तो मैंने यहाँ पर गोल्ड पे लगा दिया। ये हमारा ग्लेबलर ही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन खेल सकते हैं एज ऑफ एम्पायर्स 2 को ग्लोबल वर्ल्ड्स के साथ, यानी कि जो प्लेयर्स हैं दुनिया के उन सब के साथ आप खेल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें फ्रेंड्स। सही है फ्रेंड्स, चले फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़। सही है फ्रेंड्स, बाय।